नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑटो फंडा। दोस्तों, आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं, मारुति सुजुकी की ब्रेजा फीडिया। अभी आप जो कलर देख रहे हैं, गाड़ी पर्ल एक्टिव व्हाइट कलर में है। दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में जो बताने वाला हूं मैं, वो है अपना एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में, और साथ ही साथ में लास्ट में आपको बताने वाला हूं एक्सेसरीज, जो एसेंशियल एक्सेसरीज जो आप शोरूम से बैठा सकते हो, जिससे गाड़ी का आपके जो तो एक स्पोर्टी लुक में एनहांस हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से। इंजन टाइप जो रहेगा आपका गाड़ी का, DDIS 200 का रहेगा। DDIS यानी कि डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, और 200 जो रिप्रेजेंट करेगा आपके टॉर्क को। क्यूबिक कैपेसिटी की बारे में बात की जाए तो 1248 सीसी का आपका क्यूबिक कैपेसिटी रहेगा। पावर की बात की जाए तो 66 किलोवाट एट 4000 आरपीएम पे मिल जाएगा। टॉर्क की बात की जाए तो 200 एनएम एट 1750 आरपीएम पे। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT में दोनों में मिल जाएगा। और माइलेज की बात की जाए तो 24 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिलेगा। दोस्तों, डायमेंशन की बात करते हैं। लेंथ आपको 3995 mm की मिल जाएगी, विड्थ 1790 mm की, हाइट 1660 mm की, व्हील बेस 25 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस जो तो आपको सबसे हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि 198 mm का रहेगा। दोस्तों, फ्रंट की बात की जाए, सामने से देखने के बाद जो तो आपको एक मस्कुलर लुक गाड़ी का मिल जाता है, जो कि मारुति सुजुकी में सबसे अट्रैक्टिव दिखने वाली कार में से एक बन जाती है। गाड़ी की लाइट की हेडलाइट की बात की जाए तो आपको गाड़ी में हैलोजन हेडलैम्प, रेगुलर हैलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। और टर्न इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें यूनिक सा आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि सिर्फ आपको ब्रेजा स्टाइल में मिल जाएगा। टायर की साइज की बात की जाए तो आपको 250x60 R16 का टायर मिल जाएगा। और दोस्तों, कंपनी के बारे में हम बात करते हैं तो कंपनी टायर की कंपनी कौन सी भी हो सकती है, जैसे MRF रहते हैं, कभी प्रेस्टो रहते हैं, या कोई और भी रह सकते हैं, सियाट लाइक। तो चलिए दोस्तों, हम इंटीरियर के बारे में एक बार बात करते हैं। जब भी हम इंटीरियर में गए, हम देखते हैं तो इंटीरियर में आप देख सकते हो कि आपको पूरा इंटीरियर जो तो ब्लैक कलर का मिल जा रहा है। चारों ही पावर विंडो मिल जाएगा आपको। सेंट्रल लॉकिंग जो रहेगा, आप एक बटन के ऊपर से सेंट्रल लॉक अनलॉक कर सकते हो। कप होल्डर की बात की जाए तो आपको 1 लीटर का कप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकली भी एडजस्टेबल कर सकते हो आपके ORM को। दोस्तों, याद रखना, यहाँ पे फोल्डेबल नहीं मिलेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आपको ORM मिल जाएगा। स्टेयरिंग देखिए आप, स्टेयरिंग जो देखते हो आप, तो स्टेयरिंग में सिर्फ जो तो एक रेगुलर स्टेयरिंग मिल जाएगा, जहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलेगा। VDI के ऊपर जो भी मॉडल, जैसे ZD, जिसके ऊपर ही आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिलता है, बट ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है कि आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल चाहिए नहीं चाहिए। इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल देख सकते हो कि एक रेगुलर सा आपको इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिल जाएगा, जो कि आई कैचिंग है। चलिए दोस्तों, अब म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो म्यूजिक सिस्टम में आप देख पाओगे कि एक रेगुलर सा एक म्यूजिक सिस्टम आपको दिखाई देता है, बट इसमें आप आपका USB ऑक्स केबल, ब्लूटूथ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, कॉलिंग भी आप यहाँ पे अपना यूज कर सकते हो। AC जो रहेगा आपको मैनुअल AC रहेगा, जहाँ पे आपको हीटर का भी ऑप्शन दिया गया है। को ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। दोस्तों, चलते हैं रियर सीट पे।
दोस्तों पिछले साइड में भी आपको जो है तो कप होल्डर मिल जाएगी। अब बात की जाए पिछली सीट की, तो जो हेडरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएगी। आपके हाइट के अनुसार आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो, और सामने वाली सीट भी जो है तो वो भी आप हाइट एडजस्टेबल है, आपके हाइट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी मिनी एसी सेगमेंट में आती है, इसके वजह से जो तो आपको अच्छा सा लेग रूम मिल जाता है, कुछ ऐसा लुक आपको मिल जाएगा जब आप पिछली सीट पे बैठते हो। पिछले वाले डोर में भी आपको पावर विंडोज मिल जाएंगे। दोस्तों अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो आपको एक एयर बैग जो है तो आपको ड्राइवर साइड में मिल जाएगी, और को ड्राइवर साइड में भी आपको एक एयर बैग मिल जाएगी। एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको ABS ABD यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों भी चीज़ें आपको गाड़ी में मिल जाएगी, जिसमें आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों बात करते हैं रियर व्यू की, जहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्टी लुक दिखाई देता है। और आगे ऊपर की बात अगर हम बात करें तो आपको हाई माउंटेड लाइट दिखाई देता है। और सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी VDI मॉडल में मिल जाएगा। दोस्तों गाड़ी में एक बूट स्पेस अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जहाँ पे आपको बूट स्पेस इस गाड़ी का 328 लीटर का मिल रहा है, जो कि गाड़ी का USP बनता है। गाड़ी के साथ आपको एक रेगुलर टूल किट, जैक और मेडिकिट भी आपको मिल जाती है। स्टेपनी के साथ आपको जो तो टूल किट बॉक्स भी मिल जाता है, जहाँ पे आप आपके हिसाब से जो है तो टूल किट आप देख सकते हो। यही नहीं दोस्तों, अगर आपको आपका बूट स्पेस बढ़ाना होता है तो आप इसको आसानी से बढ़ा सकते हो। जहाँ पे आपको वो हुक दिखाई दे रहे हैं, उस हुक को सिर्फ आपको बाहर खींचना पड़ता है, ऊपर खींचना पड़ता है, तो आप डायरेक्टली उस सीट को पूरा उसको फोल्ड कर सकते हो, जिसका जो पिछले साइड का जो आपको आपका जो एरिया है आप उसे आपका सामान जो है तो रखने में आप उसका यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। दोस्तों ये थी पूरी गाड़ी के बारे में जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं गाड़ी की एक्सेसरीज के रिलेटेड। दोस्तों जब भी हम गाड़ी कोई नहीं लेते हैं तो गाड़ी की एक्सेसरीज के रिलेटेड हम बहुत ही कन्फ्यूजन में होते हैं, तो उसी रिलेटेड में आपको बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो फ्रंट ग्रिल गार्निश, दोस्तों अगर आप ये लगाते हो तो आपकी गाड़ी का जो फ्रंट लुक जो है तो और भी स्पोर्टी दिखता है। उसके साथ अगर आप देख पा रहे हो नीचे सिल्वर कलर में फ्रंट गार्निश, ये भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपके गाड़ी की स्पोर्टीनेस में और भी इजाफा हो जाएगा। दोस्तों साइड लुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विल्क आर्किट लगाया है, इसका एक तो आपके लुक में इजाफा तो हो जाएगा, एज वेल एज अगर आपकी गाड़ी में साइड में कोई डैश पड़ता है तो आपका उसमें आपका गाड़ी का प्रोडक्शन भी हो जाएगा।
रियर व्यू की बात की जाए तो अभी आप देख रहे हैं सिल्वर कलर में, इसे रियर गार्निश कहते हैं। आप रियर गार्निश भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आपके गाड़ी के स्पोर्टीनेस में और भी बढ़ोतरी मिल जाती है। दोस्तों साइड के और अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे साइड क्लैडिंग लगाई हुई है। साइड क्लैडिंग का जो इम्पोर्टेंट रोल है आपके गाड़ी की साइड व्यू जो तो उसको अच्छे तरीके से वो दिखाता है, उसका स्पोर्टनेस और भी बढ़ जाता है। दोस्तों सामने आप देख पा रहे हैं उसे डोर सील गार्ड कहते हैं। डोर सील गार्ड का उपयोग जो है तो गाड़ी की लुक जो इंटीरियर लुक जो उसको बढ़ाने के लिए उसमें लगाया जाता है। मेन चीज जो गाड़ी में सीट कवर होता है, अभी सीट कवर जो आप देख पा रहे हैं वो गाड़ी के इंटीरियर को पूरा तरीके से मैच करता है, जिसमें आपके गाड़ी का लुक जो इंटीरियर लुक जो है तो और भी बढ़िया दिखता है, स्पोर्टी दिखता है और प्रीमियम सा भी एक फील करवा देता है। बाकी जो आप नेक कुशन देख पा रहे हो तो नेक कुशन आपके ऊपर है, आपको मतलब आप ले भी सकते हैं या उसे स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी बात अगर आप स्टेयरिंग की तरफ देखोगे तो स्टेयरिंग के ऊपर जो है तो आपको स्टेयरिंग कवर लगा हुआ दिख रहा है, जो आपके हाथ को प्रीमियम सा फील देता है और आपके हाथ में एक ग्रिप सा आ जाता है ड्राइविंग के वक्त। दोस्तों गाड़ी के साथ आपके पूरे इंटीरियर में जो होते कारपेट बिछा होता है, तो उस कारपेट के ऊपर आपको मैटिंग लेनी पड़ती है जिससे कारपेट खराब ना हो। उसमें मैटिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटिंग्स भी ले सकते हो, आपको चॉइसेबल रहेगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, जिनको ये गाड़ी लेनी है या लेने का प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।